मुंबई की मलाड पुलिस ने एटीएम सेंटर में पट्टी लगाकर लोगों के साथ चीटिंग करने वाले मामले का खुलासा करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह तस्वीरें मलाड पुलिस स्टेशन की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि इन बुरखा पहने हुए दो शातिर अपराधियों को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुछ कैश और एटीएम सेंटर में पट्टी चिपकाई जो जाती थी उसे जब्त कर लिया है। तो तस्वीरें देखिए कि कितने शातिर अंदाज में यह लोग जो है अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा एटीएम सेंटर में पट्टी लगाकर लोगों को लूटने का काम किया है। किस तरह की यह लूट करते थे यह तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कि किस तरह से मलाड पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम सेंटर में पट्टी लगाकर लोगों को धोखा देने के मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएम मशीन में जो पैसे निकलते थे वो इस पट्टी के जरिए निकाल देते। ओके। अगर कोई इंसान कोई व्यक्ति एटीएम कैश विड्रॉ करने जाता है तो ये लोग चोर लोग उसके पहले पहुंच के ये पट्टी जहाँ से कैश बाहर आता है वहां चिपका देते हैं। यहाँ से ग्लू रहता है, वो चिपकाने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद जब कोई विड्रॉ करने के लिए आता है अपना पासवर्ड डालता है मशीन में पैसे गिनने की आवाज आता है पर पैसे नहीं आता है। इंसान को लगता है गलत ट्रांजेक्शन हुआ, वो चला जाता है, पर वैसा नहीं होता है। वो जाने के बाद इनका दूसरा व्यक्ति आता है और ये मशीन में लगी पट्टी निकालता है, तो इधर जो गम लगा रहता है उसको पूरा पैसे आ जाते हैं उनके। इस प्रकार ये पट्टी के सहायता से चोरी करते हैं। मालाड पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एसपी रोड पे कोटक महिंद्रा का एटीएम है। वहाँ के कॉल सेंटर से हमारे नॉर्थ कंट्रोल को कॉल प्राप्त हुआ था कि वहाँ पे कुछ चोरी जैसा हो रहा है या कोई चोरी कर रहा है। तो हमारी जो डिटेक्शन की टीम थी, पुलिस हवलदार सातों से, कांस्टेबल काटे, कांस्टेबल डोईपुरे, ये उसी एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो तुरंत वहाँ पे एटीएम के पास पहुँच गए। तो वहाँ से एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं से उसको हिरासत में लिया गया। और पुलिस स्टेशन आने के बाद उससे पूछताछ की गई, तो उसने उसका नाम प्रदीप मौर्या नाम बताया है उसका, और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और उससे पूछताछ करने के बाद उसने ये फाइबर पट्टी एटीएम में लगा के चोरी करता है इसके बारे में बताया। उससे पूछा गया कि और कौन कौन है उसके साथ, तो उसका एक साथी है दीपक सरोज, वो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद हमने तुरंत ये सब डिटेल्स हमारे सीनियर पे अडाने सर को दिया और हमारे क्राइम पे पनाय सर को दिया, और उन्होंने हमारे डीसीपी साहब को तुरंत इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद डीसीपी साहब ने हमारा डिटेक्शन का टीम फॉर्म किया जिसमें मैं था और मेरा स्टाफ लोग थे, और हम लोगों ने उसका सीडीआर एसडीआर निकाल के कांदीवली मालाड बोरीवली दहीसर स्टेशन पूरा रात सर्च करके जो दीपक सरोज दूसरा आरोपी है उसको वहां से हिरासत में लिया। ये दो लोग रहते हैं, ये प्रतापगढ़ से इधर मुंबई घूमने के लिए आते हैं और मुंबई के अलग अलग एटीएम्स में जाते हैं। ये ऐसा एक फाइबर पट्टी है उनके पास, ये जो आप कलर देखेंगे इधर ना, तो एटीएम के विड्रॉल मशीन का सेम कलर है। ये एटीएम के विड्रॉल मशीन का सेम कलर है, जहां से पैसा विड्रॉ होता है ये लोग उसमें जाके ये चिपका देते हैं। यहाँ पे ग्लू रहता है, उसके बाद अगर कोई इंसान पैसा विड्रॉ करने के लिए वहां पे जाता है तो पासवर्ड डालता है, सब कुछ होता है, मशीन काउंटिंग का साउंड भी आता है उसमें, और उसके बाद पैसा आता नहीं है। तो लोगों को लगता है कुछ गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जो पट्टी चिपकाने वाला उसका दूसरा साथी वहां पे जाता है और यहाँ से सब पट्टी निकाल लेता है। जो पट्टी निकालता है ना, तो विड्रॉ हुआ जितना भी पैसा उधर चिपका हुआ रहता है वो लेके चोरी करके निकल जाता है। आरोपी का बैकग्राउंड में प्रतापगढ़ में उस पर 2-3 केसेस है, मारामारी का या आम पैट का ऐसा बोल सकते हैं, थोड़े से छानबीन में अभी के उतना पता चला है। और मुंबई में उन्होंने 4-5 जगह पे किया है ऐसा वो बोल रहे हैं और उसकी छानबीन जारी है।